और राज्य सरकार के निर्णय के बाद शनिवार को शहर में 18 से 44 साल तक सभी लोगों को वैक्सीन की शुरुआत की गई। तीसरे चरण के वैक्सीनेशन का जायजा महापौर दयाशंकर तिवारी ने लिया। पूरे देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते देश के कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र को प्रस्ताव भेजे थे कि देश के 18 साल के ऊपर और 44 साल के नीचे सभी को वैक्सीनेशन होना चाहिए। सभी के प्रस्ताव के बाद केंद्र ने 1 मई से वैक्सीनेशन की अनुमति दी। शनिवार को शहर में भी तीसरे चरण का आरंभ किया गया। शहर के मनपा संचालित इंदिरा गांधी अस्पताल में सुबह से लाभार्थियों का तांता लगा था, मगर वैक्सीन न होने से दोपहर 2 बजे से वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई। इंदिरा गांधी अस्पताल के टीकाकरण केंद्र पर महापौर दयाशंकर तिवारी ने भेंट देकर तीसरे चरण का शुभारंभ किया। पत्रकारों से बात करते हुए महापौर ने कहा कि ये प्राथमिक रूप से वैक्सीनेशन का दौर चल रहा है, जैसे ही वैक्सीन उपलब्ध होगी वैसे सेंटर भी बढ़ाए जाएंगे। नागपुर महानगर पालिका के माध्यम से आज 3 जगह पर इंदिरा गांधी रुग्णालय, पांचपौली और आइसोलेशन हॉस्पिटल, 3 जगह प्रतिनिधिक स्वरूप में आज ये वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। सुबह वैक्सीन पहुंचने के कारण दोपहर 2 बजे हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी। कल से सुबह 10 से 5 बजे तक रहेगा। आने वाले समय में 15 तारीख के बाद हमारे पास वैक्सीन का बड़े प्रमाण में कोटा उपलब्ध होने के बाद हम तीव्र गति के साथ में शहर के सभी नौजवानों को जो 18 वर्ष की आयु क्रॉस कर चुके हैं, 18 से 44 तक सभी को लसीकरण देंगे, ऐसा महानगर पालिका ने नियोजन किया है। शनिवार से शुरू हुए तीसरे चरण के वैक्सीनेशन के प्रथम लाभार्थी से हमारी टीम ने बात की तो उन्होंने कहा कि पहले डर लगा मगर अब अच्छा लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि शासन की ऑनलाइन प्रक्रिया भी सुरक्षित है। मैं तो पहले बहुत एक्साइटेड थी वैक्सीन के लिए, बिकॉज मेरे सारे घर पे लोगों ने वैक्सीन ले रखा थे और आई वॉन्टेड टू नो कि एक ऐसा होता है क्या नहीं होता है। तो जिस दिन आया था रजिस्ट्रेशन के लिए 4 o'clock के बाद से ऑनलाइन एंड आज जैसे कि आज छुट्टी का दिन है, सब लोग घर पे फ्री होते हैं, सो आई थॉट ऑफ कि आज फर्स्ट डे है तो वैक्सीन ले लिया जाए। आई थॉट पेन होगा, एंजाइटी थी, डिफरेंट मिक्स फीलिंग्स थी, हाउ वुड आई फील, हाउ वुड इट ऑल गो, बिकॉज सब जगह इतना कोविड चल रहा है, इतना क्राउड है, कैसी चीज़ें होगी। बट देन इट वेंट स्मूथ। मैं यहाँ आई, टोकन लिया, उन लोगों से रजिस्टर किया, बात किया एंड देन डायरेक्टली दे कॉल्ड मी इनसाइड, तो आई हैड अ सेफ वैक्सीन। केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर 1 मेपासून 18+18 ते 44 वयोगटातल्या लोकांसाठी आजपासून वैक्सीनेशन टीकाकरण किंवा लसीकरण सुरू झालेलं आहे। आज आपण सध्या नागपूर महानगरपालिका संचालित इंदिरा गांधी रुग्णालयात आपण पाहू शकत असाल की इकडे जी गर्दी आहे ही लसीकरणासाठी जमलेली आहे। ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन पहिले याचं करावंच होतं, त्यानंतर एक नंबर मिळणार होता, त्यानंतर वैक्सीनेशनसाठी आपल्याला बोलण्यात आलं होतं। आज सकाळपासूनच नागपूर शहरातल्या विविध वैक्सीनेशन सेंटरमध्ये थोडाफार गोंधळ पाहायला मिळाला आहे, लोकांची रांगा दिसल्या, पण त्यानंतर त्यांना सांगण्यात आलं की लसी नाही आहे। इंदिरा गांधी रुग्णालयात पण थोडाफार गोंधळ पाहायला मिळाला, कारण की प्रशासनावर आता डबल जबाबदारी झालेली आहे, कारण की 18 ते 44 वर्षातल्या लोकांना टीकाकरण करणारी सोबत सेकंड डोज आणि त्यानंतर 44 नंतर ज्या लोकांसाठी हे वॅक्सिनेशन करणं हा डबल म्हणजे आता डबल जो एक ताण प्रशासनाकडे आला आहे त्या ताणाला आता प्रशासन समोर चाललेलं आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश अभिषेक पानसे, NBC News नागपूर।